Sam, selam sam. Koji su ajde? A, koji? Koji? Koji, koji, koji? Jo, koji? Noju, no. Maran? Maran? Sofia. Sofia. Where do you from? I'm from India. Hindustan. India. Hindustan, yeah. Sofia, on the way to Koi? Koi? Yes. Can you drop in there? No problem. No chair. Okay, no problem for me. No problem. You say. Yeah, you say. No, no problem. Sofia, how many kilometers? 60. 60 kilometers? Yes. Oh, good. Okay, no problem. More. I'm going to Turkey. Turkey. Turkey, yeah. Turkey, yeah. So. No problem. I'll sit down. No problem. Sit down. Door problem. Okay. Sorry. I'm you. Wait. Okay. Okay, no problem. I'll try another. My mother. Yeah. Very like India. Oh, thank yes. you, thank you, thank you. Merci. दोस्तों मैं अभी इधर खड़ा हूँ अभी चेकिंग करने के लिए. आज मैं तबरीज में जाना वाला वान टर्की का एक छोटा सा शहर है, उधर मैं जाने वाला हूँ दोस्तों. तो मेरा पास मौजूद है एक ट्रक ड्राइवर पास, उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसका दरवाज़ा ठीक नहीं है ट्रक का, तो इसलिए उसके साथ नहीं जा रहा हूँ. तो मैं इधर खड़ा होकर चेकिंग कर रहा हूँ दोस्तों. तो आप लोग को वीडियो का सुस्वागत है. आज मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अभी 10 बजे बॉर्डर करेगा और 2 बजे क्लोज करेगा, तो उसके अंदर मैं पहुँचने वाला हूँ या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं. तो करीब करीब 240 किलोमीटर है इधर से उधर तक, तो लगभग 3-4 घंटा लगता है. अभी बॉर्डर खोल के कब क्लोज कर उतना टाइम के अंदर मैं पहुँचने वाला हूँ या मुझे पता नहीं दोस्तों. जो भी होगा देखेगा, ठीक है. तो अभी मैं बस में चढ़ गया है, चेक किया अभी वो जो ट्रैफिक पुलिस था वो बस को रुकाया, तो मैं चला उसमें. अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो बारिश अच्छा से हो रहा है. तब मैं चेक कर रहा था, बारिश कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी कोई तक मिला है कोई और आगे जाएंगे या पता नहीं मुझे, देखे उसके बाद. कोई इधर से लगभग 160 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है. तो लगभग वो दूरी तय करने के लिए 2.5 घंटे लगता है. वो भी मिल गया तो मुझे काफ़ी क्या है, क्योंकि बोलो तो क्लोज होता है 2 बजे को, तो उसका पहले मुझे बॉर्डर पहुंचना है. क्या सीन है उधर का, मतलब जाने के बाद ही पता चलता है. जा रहा अभी कोई बोल के एक छोटा सा गांव में उतरा बस से, और वो मांगा 20,000 तबर दिया उसको ड्राइवर का. लगभग बहुत $1 से बहुत कम है, 50 सेंट्स कुछ होता है, तो दे दिया. 30 रुपये कुछ होता है दोस्तों. तो ऐसे था. और अभी मैं फ़िलहाल अभी इधर से बस नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या बोल के मैं पूछा नहीं. मैं हिचहाइक करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों. अब मिले गया हिचहाइक क्या मुझे कुछ भी पता नहीं. अभी 11:30 हुआ है और 2 बजे के अंदर मुझे उधर पहुँचना है. करीब करीब 40 मिनट का रास्ता है इधर से, 30 से 40 मिनट का. आशा करता हूँ मुझे कुछ गाड़ी मिलेगा, बोल के देखेगा क्या होगा बोल के. गाड़ी पे टैक्सी पे चढ़ गया है. ये टैक्सी अभी मुझे लेके जाएगा बॉर्डर तक, लेके जाएगा राजी बॉर्डर है. वो सुनसान जगह पे है, ईरान का और टर्की का बीच में, पहाड़ का बीच में एक जगह है. वो राजी बॉर्डर है. वो 2 घंटे के अंदर क्लोज़ होता है, 2 बजे के अंदर क्लोज होता है. तो उसका पहले मैं उधर पहुँचना ज़रूरी रही है, इसलिए मैं इसको साथ जाने के लिए राजी हुआ. वो $4 मांग रहा है, मात्र $4 है, तो मैं दे देगा उसके. मेरे पास $7-8 के पास तोमर है,
तो डॉलर नहीं, वो तोमर में रियल में मांग रहा है, तो मैं इसका इक्वलेंट में दे दूंगा उसको। तो मेरे पास और 2-3 डॉलर बचेगा, 2-3 यूरो बचेगा, तो देख लेगा क्या होगा बोल के। तो मैं तो जा रहा हूँ इसके साथ अभी, देख सकता है सुनसान जगह पे है, और पत्थर जो पत्थर ऊपर से आ रहा है वो गिरता रहता हमारे सामने ही गिरा था पत्थर। और बिल्कुल हम अच्छा नसीब से पार हुआ और डेंजर से, और ये सुनसान जगह है, हिचकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो बजे को बॉर्डर क्लोज होता है, उसका पहले आप पहुंचना पड़ेगा, और इधर बहुत कम ट्रैफिक जाता है दोस्तों उधर तक, और भी जो भी ट्रैफिक जाता है वो भी हिचकिंग करने वालों को लेके जाना थोड़ा ऊपर नीचे देखता है। तो इसलिए आप सुबह आ रहे हैं तो सुबह जल्दी आके बॉर्डर पे रेडी होना चाहिए दोस्त। तो दोस्तों मैं अभी आ गया, टर्की में पहुंच गया ईरान से, अभी फिलहाल बहुत 2 घंटे उधर, आप तो देख सकते हैं पीछे टर्की का झंडा, टर्की का नाम देख सकते हैं, बहुत खुश हो रहा, आप बर्फ भी देख सकते हैं इधर, बहुत बढ़िया लग रहा है इधर आके। अभी इधर इधर से कैसे जाएगा वो देखना है अभी, मुझे पता नहीं कैसे जाएगा बोल के, जो भी हो ठीक हुआ, अच्छा हुआ, सलामत से ठीक हुआ दोस्तों। अभी मैं इधर हूँ, अभी इधर से कैसे जाएगा मुझे पता नहीं दोस्तों, देखना ही चेक करके जाएगा या क्या जाएगा पता नहीं, आप लोग को देख सकते हैं। तो मैं अभी चल के जा रहा हूँ दोस्तों, कहाँ पे बोल के पता नहीं, ऐसे चल के जा रहा हूँ, ऐसे भी टर्की में पहुँच गया, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है, धीरे धीरे जाएगा, कहाँ पहुँचेगा पता नहीं, मेरे पास टेंट भी नहीं है, शिट टेंट है तो कहीं पे भी डाल के सो सकता था दोस्तों। वहाँ के लिए 100 किलोमीटर है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बात करने के लिए नहीं हो रहा है, ठंड है, बहुत ठंड है। उसके बाद ये वजन भी है, फिर मजा लग रहा है, मजा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया मजा लग रहा है। हैरान पहुंच गया, हैरान से टर्क किया गया, हमने तो कमाल किया है दोस्तों। ओके ओके कम प्लीज प्लीज, ओके थैंक यू, सत श्री अकाल। अभी उधर से चढ़ के अभी एक गाड़ी पे हूँ, चेक कर रहा था, तो ये पैसा मांगा, 40 लीरा दिया उसको, मेरे पास 50 लीरा था, और कुछ मांग रहा था, मेरे पास नहीं था, तो ओके ठीक है बोलो। और मैं अभी सराई बोल के एक जगह पे उतर के कुछ खाने के लिए कुछ लेने के लिए गया है वो, तो मैं इधर गाड़ी में बैठा हूँ, तो उधर पहुँचने के बाद मेरे ख्याल से उधर पहुँचाया गया, तो उधर से और 30 किलोमीटर है दोस्त, 30 या 40 किलोमीटर है मेरे ख्याल से वान के लिए, और कैसे जाएगा पता नहीं। इधर से अभी ऐसे ऐसे कुछ ये लेना है, सिम कार्ड लेना है मुझे, सिम कार्ड लेके उसके बाद क्या करेगा देखेगा, उसके बाद पहले सबको बताना है कि मैं टर्की में सही सलामत पहुंच गया, अभी इधर से कैसे बाहर निकलेगा वो देखना है, ठीक है। तो कम से कम थोड़ा तो गाड़ी मिलेगा, फिर चेक करके जाएगा।
बॉर्डर से आगे है ना, वो एक बढ़िया है। सेल्फ में पहुंच गया अभी, तो बोला इधर रेलवे स्टेशन है बोल के, पता नहीं देखेगा क्या है कैसे बोल के। देखो बर्फ, देखो बर्फ, मैं बर्फ 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 में मिल जाएगा बर्फ। अरे बर्फ देखो यार, बर्फ बर्फ बर्फ, बहुत बढ़िया है बर्फ।